जय श्री राम, जय गो माता। आजकल सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है बागेश्वर धाम काफी श्रद्धालु जाते हैं, भारतवर्ष से जा रहे हैं और अपनी समस्याएं लेके जाते हैं। उसमें बुजुर्ग विकलांग महिलाएं खासकर ज्यादा होती हैं। तो मैं पूरे भारतवासी से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, बागेश्वर धाम अच्छा काम कर रहा है। मैं उसके काम के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पर मैं बागेश्वर धाम के शास्त्री जी हैं जो इंचार्ज हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप, इतनी बड़ी शक्ति है आपके पास, आप सब कुछ बता सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति गुम हो रहे हैं, एक व्यक्ति की महिला गुम हो गई, एक का भाई गुम हो गया, सोशल मीडिया पे बार बार वीडियो चल रहे हैं, तो कम से कम मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहता हूँ कि आप हनुमान जी की शक्ति से आप पूरे विश्व की बात तो बात नहीं करें, कम से कम आप बागेश्वर धाम में जो लोग गुम हो रहे हैं उनको तो कम से कम आप शक्ति से ढूंढिए कम से कम। और पूरा सोचने का विषय है पूरे भारतवासियों से और सभी मीडियाओं से, मैं कह रहा हूं सोचने का विषय है जो धीरेन्द्र शास्त्री पूरे विश्व की बात करता है, जो उसके धाम में लोग आ रहे हैं, एक महिला और एक लड़का गुम हो गया, बिहार का शिक्षक था और एक महिला भी गुम हो गई, उसका पति रोज एप्लीकेशन दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो आप तत्काल अपनी शक्ति से आप बता सकते हैं, आप उनको नहीं ढूंढ पा रहे तो पूरे विश्व का क्या कल्याण करेंगे। ये सोचने का विषय है बागेश्वर धाम के बारे में। जय श्री राम, जय गो माता।